मुनिपुंगव श्री ने श्रवण संस्कृति संस्थान का बीज सांगानेर में बोया था, वो पल्लवित होकर आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 31 अक्टूबर को समय सार प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन अमृत सुधा सभागार में श्रवण संस्कृति संस्थान की विदुषी ने कहा कि हमें हर दिन एक नया मोती गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। वर्ष 1996 में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्रवण संस्कृति संस्थान का जो बीज सांगानेर में बोया था, वो पल्लवित होकर आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 31 अक्टूबर को समय सार प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन अमृत सुधा सभागार में श्रवण संस्कृति संस्थान की विदुषी ने कहा कि हमें हर दिन एक नया मोती गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। उनके चिंतन के मोती इतने अच्छे होते हैं कि जो समय सार वो सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई भगवान की आचार गुरु जी की ऐसी एक बात नहीं होगी जो सालों से आज रिपीट हुई होगी। हमेशा नया नया मोती गुरु जी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। गुरु जी, जिस प्रकार आपने अपने जीवन में पूर्ण स्वाधीनता पा ली है, उसी प्रकार बस हम बच्चों की बस यही भावना है कि हम भी आपकी तरह स्वाधीन बने। भक्ति के इस क्रम में मांडलगढ़, देवली आदि जगहों से पधारे गुरु भक्तों ने गुरु को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद दिया। इसी बीच समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। छात्रावास के विद्वान विदुषियों का सौभाग्य ही है कि उन्हें सुबह गुरु का पूजन, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति और गुरु के मंगल प्रवचनों का श्रवण करने का अवसर आगरा की धरा पर प्राप्त हो रहा है। इसी बीच मथुरा चौरासी के गुरु भक्तों ने 29 फरवरी को जम्बू स्वामी की विशाल प्रतिमा के महामस्तक अभिषेक हेतु मुनिश्री का सानिध्य मिले, इसके लिए कमेटी ने मुनिपुंगव श्री को श्रीफल भेंट किया। श्रवण संस्कृति संस्थान अपने 27 साल पूर्ण कर चुका है। श्रवण संस्कृति के जनक श्रवण मुनिपुंगव श्री के आशीर्वाद से आज हर विद्वान विदुषी अपने आध्यात्मिक ज्ञान से विश्व में जैन धर्म का परचम लहरा रहा है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। We'll be right back.